देखो ये स्कूटी साफ कर दी है। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज संडे है तो मैं सबसे पहले अपने भानिज को मिलाता हूँ क्योंकि उनका कॉल आया हुआ था और मैं वहाँ मिल जाता हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा नोएडा को जाते वक्त और वहाँ पे भानिज से बात करते हुए। तो अब मैं चलता हूँ। अब हम जा रहे हैं नोएडा, भानिज को मिलने जा रहा हूँ और आज तो संडे है तो इसलिए अभी मेरे पास शाम के टाइम जाता हूँ भानिज को मिलने के लिए। उनके कपड़े वपड़े धोने और रखे होंगे तो कपड़े भी ले आऊँगा, कपड़े में धो देंगे और फिर पहुँचाऊँगा अगले दिन। अभी मैं रास्ते में पहुँचा हुआ हूँ ये बिलिया फील्ड के पास। और भानिज के लिए मैं समोसे लेके गया हूँ, और तो क्या ले जाता, आज संडे है बाकी तो मैंने कहा समोसे ले जाता हूँ, समोसे खा लेंगे। तो ये भी हो जाता है कि अगर मैं मिलने जाता बोलते कि मामा क्या लाया, इससे अच्छा समोसे डाल दे गया। हम पहुँच गए हैं चौकी में। देखो ये आज वो मॉडल जो ये बारात घर है इसमें आज शायद बारात है, ये यहाँ से दिख रहा है। अभी वहीं पे पास से पहुँच जाऊँगा फिर वहाँ पे दिखाता हूँ और वीडियो पे बने रहें। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे होटल के पास और देखो ये बारात है आज। अब मैं नोएडा स्कूल में पहुंच गया हूँ, ये रहा, मैं अब यहाँ से अंदर ही ले जा रहा हूँ स्कूटी, अंदर ही पार्क कर दूँगा। अब यहाँ पे एंट्री का तो कुछ है नहीं, अभी सर लोग यहाँ पे नहीं है तो लंच टाइम में गया हुआ हूँ। मैंने एंट्री कर ली है, मैं वहाँ अंदर जाके अपने भानी से मिलूँगा, वो दिखाऊँगा और उनसे बातचीत करूँगा, वो भी दिखाऊँगा कि मतलब कोई परेशानी या फिर दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगा अंदर जाके। वाले हैं यहाँ पे आगे सामने पार्क करता हूँ मैं, यहाँ पे पार्किंग स्थल लिखा हुआ है, इधर पे पार्क करके जाता हूँ मैं। ये देखो ये छोटा बच्चा साइकिल सीख रहा है, कितने अच्छे से चला रहा है। देखिए अभी मैंने अच्छा आ चुके हैं वो, सामने में बुला के ले आया भाई को, भी हमें भेज रखा था कि भाई पवन भट्ट को बुला लाओ, तो वो देखो आ चुके हैं। अब मैं उनसे मिल लेता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे छोटी सी दुकान है जहाँ पे बच्चे सामान लेते हैं। मोटा क्यों नहीं है? कूड़ादान पूरा उन्होंने यहाँ तक मैं अभी वो कपड़े लेने गए हुए हैं, एक दो गंदे हो रखे हैं बोला के बोला, तो मैंने कहा ले आओ साफ करके भेज दूंगा यहाँ पे। तो अभी वो लेने गए हैं, वो ले आते हैं, तब तक के लिए वीडियो में आप बने रहें। यहाँ से देखिए मार्केट का सीन, देखो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, आज संडे है तो पढ़ाई कहाँ होती है, तो यहाँ पे खेल खेल रहे हैं। देखो ये नवोदय का ही है ये देखो ये, हम भी बचपन में ऐसे ही खेला करते थे, अब तो ऐसे खेल कहाँ करते हैं। ये देखो आ गए हैं लेके।
आ जाओ नीचे चलते हैं, चलो। अब मैं भानी से मिल चुका हूँ, कपड़े ले आया हूँ और मैं जा रहा हूँ अब कमरे में, क्योंकि मैं भानी को मिल गया हूँ। अब भानी चले गए हैं अपने हॉस्टल में, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, अब चलता हूँ मैं। देखो यहाँ पे हमने पार्किंग की थी स्कूटी, और अब निकलता हूँ यहाँ से। अब मैं वापसी गेट में पहुँच चुका हूँ, गेट से जा रहा हूँ बाहर को। अब चला गया मैं बाहर, 9 बजे से आ गया हूँ और अब चलता हूँ मैं रूम में को, तब तक वीडियो में बने रहें। अब हम बिजापुर में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे देखो मैच चल रखा हुआ है, बहुत से लौंडे मौंडे आ रखे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। और देखो ये क्रिकेट खेलते हैं। अब मैं कमरे में पहुँच गया हूँ 9 बजे से आके। अब मैं धो लेता हूँ अपनी स्कूटी, जो मेरे पास स्कूटी रहती है उसको धो लेता हूँ। ये रही स्कूटी, अब इसको मैं साफ करता हूँ, पानी दे आता हूँ पहले। ये देखो ये अब भाई स्कूटी धोने के लिए तैयार हो रहा है, धोने लग गया स्कूटी को। ये देखो ये स्कूटी साफ कर दी है। ये अभी तो टायर वैसे ही हो जाएंगे। अब धोना तो हुआ ही, धो रहे हैं तो अब मैंने धो दिया, देखो अब साफ हो गई है एकदम। पहले तो बहुत धूल हो रही थी, लेकिन धोने को तो मैंने परसों ही धो रखी थी, लेकिन धूल बहुत हो रही है तो उसके कारण गंदी हो जा रही थी। लेकिन होना तो इसे गंदा है, लेकिन जब चीज़ है तो उसको भी साफ रखना फर्ज बनता है। अब थोड़ी देर सूखने देता हूँ, मौसम भी ख़राब हो रखा है। ये रही, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।